हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवनी एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ। हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता नहीं गाड़ी कहीं इधर उधर चली गई तो। कुछ नहीं होगा, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करती जाओ। ओके, एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ और धीरे धीरे क्लच दबाओ और धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ो, बस। अवनी बेटा, हम सिखा देते हैं तुम्हें गाड़ी चलाना, रमेश को तो वैसे भी ठीक से नहीं आता है। अरे काका, आप साइकिल चलाना तो ठीक से जानते नहीं है, गाड़ी क्या चलाएंगे। हाँ काका, आप ही सिखा दीजिए तो अच्छा है, ये तो सारा दिन फोन पे लगे रहते, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते। अच्छा एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लो। हेलो, अवनी ये तुमने क्या कर दिया? हाँ बदबू कहां से आ रही? इसके अंदर लाश कहां से आ गई? इसमें से बदबू भी कितनी आ रही है। हे भगवान, इन्होंने तो लाश देख ली। इस मूर्ति का बेस तो एकदम अच्छे से बनाया गया है, कोई लापरवाही की गई ऐसा लगता तो नहीं है। अगर इस मूर्ति में इसको रखा क्यों होगा? और वो भी ऐसे चहल पहल वाली कॉलोनी के बीच में रखी गई मूर्ति, वो भी ऐसे कॉलोनी के बीचों बीच जहां पे इतनी चहल पहल है। सर, कॉलोनी के लोग काफी घबराए हुए हैं, किसी को नहीं पता है लाश किसके, और सर इस कॉलोनी से कोई गायब भी नहीं हुआ है। चल देखते हैं। आप लोग प्लीज इन बच्चों को अंदर घर भेज दीजिएगा, ये सब देखना सुनना इनके लिए अच्छा नहीं। प्लीज बच्चों, घर जाके खेलो, जाओ। माँ, आजोबा की मूर्ति में क्या था और उससे इतनी बदबू क्यों आ रही थी? घर आके बताती हूँ। बच्चों, मम्मी की बात सुनना चाहिए, हाँ? जाओ घर के अंदर जाओ। आपके बच्चे ने कहा कि ये मूर्ति उनके दादाजी की? जी, मेरे पिताजी की मूर्ति थी, सुमित प्रकाश नाम था उनका। उनकी मूर्ति क्यों बनवाई थी? मेरे पति एक इंजीनियर और साइंटिस्ट थे, सूखे इलाकों के लिए उन्होंने एक नई सिंचाई पद्धति का आविष्कार किया था, इसी से खुश होकर गवर्नमेंट ने उन्हें ये जमीन दान में दी थी। और सुमित जी इतने महान थे कि उन्होंने वो जमीन कॉलोनी को दान कर दी थी और हमने उसी जमीन पर ये बच्चों के लिए ये पार्क बनवा दिया, इसीलिए हमने उनके सम्मान में इस पार्क में उनकी मूर्ति लगवाई। देखिए, ऐसा लगता है कि किसी ने हाल में इस लाश को मूर्ति में छिपाया है। हाँ, कुछ महीनों पहले। आप लोग बता सकते हैं कि मूर्ति यहाँ कब लगाई गई थी? क्योंकि शायद लाश को उसी वक्त अंदर रखा गया था। ये क्या कह रहे हैं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुमित जी जिस साल गुजर गए उसी साल ये मूर्ति वहां लगवाई गई थी, कम से कम 39 साल हो गए। 39 साल पहले? तो ये हो सकता है कि जब हाल फिलहाल में मूर्ति बदली गई हो या फिर इसकी मरम्मत की गई हो तब ये लाश इसमें डाल दी गई हो। जी नहीं, जब से ये मूर्ति लगवाई गई है तब से ना इसकी मरम्मत हुई है और ना इसे बदला गया। ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ महीनों पहले मरे हुए आदमी की लाश इतनी पुरानी मूर्ति के अंदर कैसे हो सकता है? शायद ऐसा हुआ हो कि रात के अंधेरे में ये काम हुआ हो और आप लोगों को पता नहीं चला। पूर्वी, जरा वॉचमैन से पता कर। सर, सर इस कॉलोनी में करीब 200 फैमिलीज रहती है, अगर किसी ने रात को पुतला बदला होता किसी ने तो देखा होता, लेकिन यहाँ तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं। सर, यहाँ पर दो वॉचमैन है, एक दिन में ड्यूटी करता है और एक रात में, और दोनों का ही कहना है कि किसी ने भी मरम्मत का काम होते हुए नहीं देखा। कमाल है, अगर कोई काम हुआ नहीं है तो ये लाश मूर्ति के अंदर आई कैसे? 39 साल पहले ब्रॉन्ज की मूर्ति खड़ी की गई हो,
तब से लेकर आज तक ना किसी ने उसकी मरम्मत की ना उस मूर्ति को बदल दिया। हाँ सर, 1976 की बात है सर। हाँ, और आज उस ब्रॉन्ज के पुतले के अंदर मिलती है एक लाश, और कॉलोनी के 40 लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ देखा तक नहीं। कैसे हो सकता है मूर्ति के अंदर लाश? दो ही तरीके आते हैं मेरे दिमाग में। एक, या तो पुरानी मूर्ति के अंदर लाश रखी, या फिर नई मूर्ति बनाकर उसके अंदर लाश डालकर उस नई मूर्ति को पुरानी मूर्ति की जगह रखी गई और पुरानी मूर्ति गायब कर दी गई होगी। सर, लेकिन ब्रॉन्ज की नई मूर्ति बनाने के लिए तो कई दौर से गुजरना पड़ा होगा। पहले तो उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस का ढांचा तैयार किया होगा, फिर उस ढांचे से उसने नया सांचा तैयार किया होगा, और फिर कम से कम 1200 डिग्री सेल्सियस पे उसने उस ब्रॉन्ज को पिघलाकर उसमें डाला होगा, और फिर उसके टुकड़े किए होंगे, टुकड़ों को फिर वेल्डिंग करके जोड़ा गया होगा, फिर मूर्ति तैयार होगी तो उसे खड़ा कर दिया गया होगा। ये कुछ चुटकी भर में थोड़ी होता है। बहुत टाइम लगा होगा, बहुत टाइम लगा होगा। और सर, लाश को मूर्ति में रखा गया होगा, मूर्ति को कॉलोनी में लाया गया होगा, और फिर पुरानी मूर्ति की जगह रखा गया होगा। पूर्वी, इतनी बड़ी मूर्ति कोई गोदी में उठाकर तो नहीं ला सकता। उसे लाने के लिए ट्रक या फिर कोई बड़ी गाड़ी लाई होगी, उसके साथ साथ उसे खड़े करने के लिए क्रेन लाया गया होगा। इतना सब अगर हुआ है, फिर भी कॉलोनी के लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सर, सर फिर तो पहला वाला तरीका इस्तेमाल किया गया होगा सर। बॉडी को कॉलोनी में लाया गया होगा और फिर मूर्ति में रख दिया गया होगा। मूर्ति को लेटाया गया होगा, उसके बाद उसके अंदर लाश को रखा गया होगा, और फिर उसे खड़ा भी किया होगा। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये? सर, इतना अजीब तरीका लाश को ठिकाने लगाने का, खूनी को ये सब करने की जरूरत क्या थी? वही तो, इतनी तकलीफ क्यों? लाश को ब्रॉन्ज की मूर्ति के अंदर ही क्यों? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, पर है कौन ये? है कौन ये? लाश है किसकी? कैसे मरा ये? मरा या मारा गया? इस आदमी की उम्र 45 साल है और इसकी मौत इसके सर पे लगी चोट की वजह। अरे सर 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 सर, हिंदी में बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा, क्या बोल रहे हैं? इस आदमी की उम्र 45 साल है और इसकी मौत इसके सर पर लगी चोट की वजह से हुई है। ये हुई ना मैम, थैंक यू। और कुछ और बता सकते हैं? कुछ जादू है, चोट की बजाऊंगा हो जाएगा। अरे कोई जादू है जो चुटकी बजाऊंगा सब कुछ हो जाएगा? मन तो करता चुटकी बजा दूं और ये आदमी गायब हो जाए। क्या बोले तुम? मतलब मैं कह रहा था साड़ूंके साहब, आप चुटकी बजा दे तो केस सॉल्व हो जाएगा। कितना किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अभी मेरा चुटकी बजाने का मूड नहीं। ठीक है तो मैं उधर बजा लेता हूँ चुटकी। किधर चले जाते? हाँ देखिए आप, तारिका जी। कुछ मिला आईडी वाईडी आपको? ना ना आईडी ना वॉलेट, कुछ नहीं। और ये कपड़ों की हालत देखो भाई साहब, बच गई चुटकी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ। अरे वाह, अब बजी चुटकी। मुझे मालूम था तारिका जी, आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। बताइए। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये लाश कितने समय तक उस मूर्ति में थी। अच्छा, कितने समय से? ये लाश ब्रॉन्ज की मूर्ति में बंद थी, वातावरण के प्रभाव में आए बिना। कुछ टेस्ट के बाद ये पता चला है कि 2 महीने से ये लाश उस मूर्ति में बंद थी। ओ, मतलब इस आदमी का खून 2 महीने पहले हुआ है। लगता तो ऐसा ही है। लेकिन सर, किसी ने इस लाश को देखा? किसी ने उस मूर्ति में रखते हुए? कॉलोनी वाले बता रहे थे कि मूर्ति 39 साल पुरानी है। डॉक्टर साहब, आप ये बता सकते हैं ये मूर्ति नई है या पुरानी है? ये मूर्ति 39 साल पुरानी नहीं है, नई है। ओ, मतलब इस मूर्ति को वहां पे ट्रक में लाया गया होगा। किसी ने ट्रक को देखा कैसे? नहीं, मुझे नहीं पता। सालू के साहब, किसी ने उस
क्रेन को कैसे नहीं देखा जिसके जरिए उस मूर्ति को अपनी जगह पे रखा गया? मुझे नहीं पता। सालों के साहब, उस मूर्ति में वेल्डिंग कब और कैसे की गई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है सर, मुझे लगता है लाश की गंध की वजह से सालूम के साहब का दिमाग खराब हो गया है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो मुझे परेशान मत करो, मुझे इस लाश का चेहरा भी बनाना है। डोंट डिस्टर्ब मी। सर आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आप चेहरा बनाइए। चलो एक बात तो ये पता चल गई कि मूर्ति नहीं है और किसी ने उसमें लाश रखी है। और कैसे सर? कैसे और कब का पता बाद में लगाएंगे, पहले ये पता लगाना है कि ये नई मूर्ति बनाई किसने। दुकान में तो कोई नहीं दिख रहा। वाह, एक खूबसूरत लड़की मेरे दुकान पे। सीआईडी से हूं मैं। तो क्या हुआ? लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है मिस्टर कुमार। क्या कुमार? मैं किसी कुमार सुमार को नहीं जानता और ना मैं कुमार सुमार हूँ। तुम निशित कुमार नहीं हो जिसकी ये दुकान है? ओ, इस दुकान के पहले वाले मालिक निशित कुमार, उनकी बात कर रहे हैं ना? पहले वाला मालिक? हाँ, निशित कुमार का 2 महीने पहले खून हो गया। हेलो अभिजीत सर। तारिका बन गया ना चेहरा? तो इन्होंने ये दुकान निशित कुमार से खरीदी और 2 महीने पहले उनका फोन लगा। 2 महीने पहले की वो लाश थी ना जो उस मूर्ति में से मिली? हाँ सर, लाश। हाँ लाश। आप ये बताइए कि निशित कुमार के बारे में और क्या जानते हैं आप? सर मुझे ज्यादा पता नहीं है, उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी और कई सालों से उनके पास कुछ काम भी नहीं था। उनके घर का एड्रेस देना। वो घर में अकेली थी, जब मैं बाहर से आई तो देखा चोरों ने उनका गला काट दिया था। शायद मैं यहां होती तो उनको बचा सकती थी सर। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं अर्चना जी, पर क्या बता सकती हैं कि क्या क्या चोरी हुआ था? कुछ नहीं, चुराने के लिए आई ही क्या घर में? कुछ नहीं था और अब भी नहीं है। आपके पति जो मूर्तियां बनाते थे वो किन के लिए बनाते थे? मेरा मतलब है उनके क्लाइंट्स कौन कौन थे? मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी सारी चीजें वो अलमारी में रखते थे। हम वो अलमारी देख सकते हैं? जी अलमारी देख लो जरा। अर्चना जी ऐसा भी हो सकता है कि ये चोरी का मामला ना हो। मैं समझी नहीं सर कुछ। निशित जी का कोई दुश्मन भी था जो उनकी जान लेना चाहता हो? सर मामूली सा शिल्पकार, उनका दुश्मन कौन हो सकता है?
सर आप इस फाइल में मूर्तियों की बहुत सारी न्यूज़पेपर कटी गई सर। वो जो सारी मूर्ति बनाते थे ना उसका सारा रिकॉर्ड इसी फाइल में रखते थे। और सर ये देखिए। तो ये मामला है, सुमित जी की मूर्ति भी इन्होंने बनाई थी 1976 में। अर्चना जी, मूर्ति बनाने वाले अक्सर अपनी बनाई हुई मूर्तियों का एक ढांचा अपने पास रखते हैं कि अगर मूर्ति टूट फूट जाए तो दोबारा बना सके। निशित जी भी ऐसा करते थे क्या? हाँ हाँ, उसके वो सारे ढांचे पिछले बाजू रखते थे। हम वो जगह देखना चाहेंगे। सर आप सब देख रहे हैं ना, ये उनकी पूरी जिंदगी की कारीगरी है। उन्होंने जितनी भी मूर्तियां बनाई थी उन सबका एक एक ढांचा यहाँ है। वो वाला नहीं दिख रहा है? कौन सा वाला? वो सुमित जी की जो मूर्ति का ढांचा, वो उस तरफ होना चाहिए। क्या देख रहे हैं? ये मिट्टी देख रहे हो? यहाँ पे कोई ढांचा था जो अब नहीं है। अर्चना जी, हाँ? उस सुमित कुमार जी की मूर्ति का ढांचा यहीं पे था? हाँ यही था। ले गए। सर आपका मतलब उन चोरों से थे नहीं? सुमित कुमार जी की मूर्ति का ढांचा चोर चुरा के ले गए। निशित जी का खून इस ढांचे की वजह से हुआ है। लेकिन सर सुमित जी की मूर्ति का ढांचा चुरा के चोर क्या करेंगे? उस ढांचे की मदद से सुमित जी की नई मूर्ति बनाई गई और उस लाश को उसमें डाल दिया गया। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा वो लाश किसकी है? सड़ों के साहब लगे हैं ना लाश का चेहरा बनाने में। एक बार चेहरा बन जाए सारी कहानी सामने आ जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब, बन गया चेहरा? ये देखो बॉस, ये है वो मरा हुआ आदमी। क्या? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब ये क्या मजाक है? भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही है उस आदमी का चेहरा, ऐसा ही दिखता है वो। मैं जानता था, मुझे बिल्कुल पता था ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे सारा केस उलट जाए। क्या बात कर रहे हो यार तुम, मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या हो गया तुम्हें? अभिजीत ये क्या कह रहे हो तुम, ये उसी आदमी का चेहरा है सर, मजाक क्यों करेंगे? क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो चेहरा बनाया है वो मूर्ति का चेहरा है, सुमित जी का चेहरा है जो 39 साल पहले मर चुके हैं। इस चेहरे में सिर्फ मूंछ लगाना बाकी है। बात कर रहे हो? ये आप बताइए, आपने बनाया है चेहरा? मैंने तो वही बनाया है जो मुझे खोपड़ी ने बताया, मैंने तो मूर्ति देखी भी नहीं है यार। तो आप देख लीजिए, ये मूर्ति है। ये तो वाकई वही चेहरा है जो मैंने बताया, कैसे हो सकता है? सर ये आदमी 39 साल पहले मर चुका है, आज जिंदा होता तो 80 साल का होता। और आपने कहा था ना कि ये मरा हुआ आदमी 45 साल का। कैसे पॉसिबल है? आई एम सॉरी बॉस, मुझे छुट्टी चाहिए। वो आप देखो सर, पहले हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि लाश को मूर्ति में रखा कैसे गया। अब हमें यह पता लगाना है कि सुमित जी की लाश सुमित जी की मूर्ति में आई कैसे और क्यों। सर कुछ पता चला उस लाश के बारे में? देखिए उसी के बारे में हम लोग बच्चों हमें आपकी नानी और मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी, और बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं सुननी चाहिए, तो आप लोग प्लीज अंदर जाइए। क्यों? हम क्यों नहीं सुन सकते?
ये बड़ों की बातें हैं, बच्चों का कोई काम नहीं। हमें पता है हमारे आजोबा की मूर्ति में से लाश मिली है ना, आप उसी के बारे में बात करने आए हो ना? हाँ, और कुछ जरूरी बातें। आप लोग अच्छे बच्चे हो ना प्लीज अंदर जाओ। सर बताइए ना, क्या पता चला आप लोगों को? एक्चुअली इस केस की जांच को लेके हम थोड़ी उलझन में हैं, और हमें लगता है कि आप सुलझा सकती हैं इस उलझन को। कैसी उलझन? और मैं कैसे सुलझा सकती हूँ? दरअसल ये सब हमारे परिवार वाले जैसे ही हैं। जब से शादी करके आई हूँ इसी कॉलोनी में रह रही हूँ। ये लोग सब कुछ जानते हैं, आपको जो कुछ भी कहना है इनके सामने कह सकते हैं। ठीक है, आपके पति सुमित जी को गुजरे हुए करीब 39 साल हो गए है ना, लेकिन सुमित जी की मूर्ति में से हमें जो लाश मिली है वो सुमित जी की है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, ये देखिए। इतने यकीन के साथ आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ हाँ, ये हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ भूल हुई है आप लोगों से। कोई भूल नहीं, ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें लाश की खोपड़ी का चेहरा बनाया गया है, और यही चेहरा बना सुमित जी का। लेकिन मेरे पिताजी की लाश कैसे आ सकती है? ये मुमकिन नहीं है। वही तो, लाश की उम्र करीब 45 साल की है, आपके पिताजी जिंदा होते तो 80 साल के ऊपर के होते। अब बात यह है कि 80 साल का आदमी 45 साल का कैसे हो गया? ये मैं कैसे जान सकती हूँ? अब आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? चेहरा तो बिल्कुल आपके पति का ही है। सर, उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार मैंने ही किया था। अगर किसी ने लाश बदल दी हो या कहीं किसी तरह वो जिंदा भी होते तो भी 80 साल का इंसान 45 साल का हो ही नहीं सकता। वही तो, यही बात हमें परेशान कर रही है। अच्छा, आपके परिवार में कोई ऐसा आदमी था जो बिल्कुल सुमित जी से मिलता जुलता हो? नहीं, जब से मैं उन्हें जानती हूँ या जब से मेरी शादी हुई है, मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा जो उनकी तरह दिख रहा हो। चूंकि उस मरे हुए आदमी का चेहरा हूबहू आपके पति से मिलता जुलता है, और उन दोनों में कोई संबंध है या नहीं ये जानने के लिए मालती जी हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। कैसी मदद? अगर आपको बुरा ना लगे तो हमें आपका डीएनए उस मरे हुए आदमी से मिला के देखना होगा, यही एक तरीका है सच्चाई को जानने का। ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि हम भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। थैंक यू, हम फिर मिलेंगे, पर तब जवाब के साथ मिलेंगे। आता रेखा जी, डीएनए रिपोर्ट आ गई। पार्शल मैच है। क्या पार्शल मैच है? देखा, इसका मतलब सालू के गलत नहीं था बॉस, ये आदमी सुमित के परिवार का ही, बाप का डीएनए बेटी में भी है और इस मरे हुए आदमी में भी। निश्चित रूप से ये आदमी सुमित के परिवार का ही कोई है। अगर ये सुमित का रिश्तेदार है तो किसी ने इसे पहचाना कैसे नहीं? कोई तो होगा जिसे पहचानता। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। आपने जो इसका चेहरा बनाया था उसकी फोटो हमने अखबार में भी भेजी, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आया जो इसे पहचानता। अगर ये इसी शहर में था तो किसी ने तो इसे देखा होगा, कोई तो होगा इसके पहचान वाला।
तारिका जी, आप तो जीनियस हैं। ऐसे क्या कह दिया मैंने? केस सॉल्व कर दिया है। हो सकता है ये आदमी इस देश का हो ही ना, हो सकता है कि मरने से कुछ समय पहले इस देश में आया। ओ, इसीलिए किसी ने इसे पहचाना नहीं। हाँ, पिछले 2-3 महीने की इमिग्रेशन रिपोर्ट्स चेक करने होंगे हमें। पंकज, आज के अखबार में मैंने अपना राशिफल देखा, जानते हो क्या लिखा था उसमें? क्या था सर? बहुत जल्द नौकरी में बदलाव होगा, इसका मतलब जानते हो? हाँ सर, ये तो बहुत दुख की बात है, आपका डिमोशन होने वाला है, आपकी पोस्ट तो मेरे से भी नीचे होने वाली है। ए, क्या बोलता है? अरे इसका मतलब है मेरा बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला है। हाँ, पिछले 1 हफ्ते से मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों सर? सर अभिजीत सर ने बिल्कुल सही पता लगाया सर, इमिग्रेशन रिकॉर्ड से उस मरे हुए आदमी का चेहरा मैच कर रहा है सर। गुड, मिला है सर। सचिन, ये तो बिल्कुल सुमित जैसे ही दिखता है। इसका नाम ब्रैंडन है, उम्र 45 साल और 2 महीने पहले यूके से आया था सर। मतलब आते ही मौत हो गई उसकी। सर इसका नाम तो अंग्रेजों जैसा है पर लगता है इंडियन है। इस ब्रैंडन का घर का पता, फोन नंबर कुछ है? हाँ सर जरूर। पूर्वी, इस नंबर पे फोन करो, घर का ही फोन नंबर होगा ही, उसके माता पिता से बात करो, मगर सावधानी से, शायद उन बेचारों को पता भी नहीं होगा ब्रैंडन के साथ क्या हुआ है। हुँ? और देखो बातचीत में कुछ पता चलता है क्या इस ब्रैंडन के बारे में। सर, हाँ? सर, मैं CID छोड़ रहा हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इस केस में बहुत कंफ्यूजन है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह आदमी अंग्रेज निकला। मेरा दिमाग फट जाएगा सर, मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूं सालू के साथ के साथ। अभी जाओ, अभी जाओ, इसी वक्त बोरिया भी सरा बांधो, निकल जाओ CID से, जाओ। और कुछ समय बिताओ अपनी बीवी के साथ, शायद कुछ अकल आ जाएगी, जाओ। सर आपका राशिफल तो सही निकला, नौकरी में बदलाव, मतलब आपका रेजिग्नेशन, इस्तीफा। सर। हाँ पूर्वी, बात हो गई? हाँ सर, एक और चौंकाने वाली बात पता चली। क्या? सर ये ब्रैंडन सुमित का बेटा था। ब्रैंडन सुमित का बेटा है, वो कैसे? उसकी पहली शादी से, सुमित ने बियाट्रिस नाम की एक अंग्रेज औरत से 1970 में शादी की थी। बेटे को जन्म देते हुए वो औरत मर गई। बीवी की मौत के बाद उसका दिल टूट गया और वो अपने इस बेटे को लेकर इंडिया वापस आना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी के घर वालों ने बच्चे को आने नहीं दिया, इसलिए बच्चे को नाना नानी के पास छोड़कर वो इंडिया आ गया। और इंडिया में आने के बाद उसने अर्चना से शादी की और अपनी पिछली जिंदगी मिटा दी, किसी को कुछ भी नहीं बताया। और इसीलिए सुमित के इस बेटे ब्रैंडन के बारे में यहाँ पे किसी को भी कुछ पता नहीं था। यस सर। हाँ, लेकिन ये ब्रैंडन इंडिया आया क्यों? क्यों आया ये? सर अपने नाने नानी की मौत के बाद उसे अपने पिता के बारे में पता चला, तो अपने पिता के परिवार वालों के बारे में जानने के लिए वो इंडिया आया था। कोई आदमी अपने परिवार के बारे में जानने के लिए इंडिया आता है और यहाँ पर उसका खून हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये कोई और ही चक्कर है। सर अब इस ब्रैंडन के खूनी तक कैसे पहुंचेंगे? शुरू करके। सॉरी सर, आपका मतलब क्या था? एयरपोर्ट से पंकज, एयरपोर्ट से। जैसे ब्रैंडन एयरपोर्ट पर उतरा, पता लगाएंगे वो कहां गया, कैसे गया, किससे मिला। सर ये फुटेज एयरपोर्ट के अराइवल गेट की है सर, जब ब्रैंडन इमिग्रेशन से बाहर निकल चुका था।
सर ये रहा ब्रेंडन, ये कैप वाला आदमी ब्रेंडन से मिलने आया, कैप की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा, जरा ज़ूम करो उसमें। ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये आदमी अपना चेहरा छुपा रहा है, चाहता नहीं है कि उसका चेहरा कैमरे पे कैप्चर हो। आगे बढ़ो सर, ये दोनों तो पार्किंग की तरफ गए, इसका मतलब इस कैप वाले आदमी की गाड़ी पार्किंग में है। एक काम करो, इन दोनों के बाहर निकलने से आधे घंटे तक जितनी भी गाड़ियां एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट से बाहर निकली है उन सब के डिटेल्स निकालो, पता चल जाएगा इस कैप वाले की कौन सी गाड़ी है। सर वो आदमी ब्रेंडन को जब एयरपोर्ट की पार्किंग में लेके गया उसके आधे घंटे बाद तक ये सारी गाड़ियां बाहर जाती रही सर। बस वही ठीक है, एक एक को फोन करो और पता लगाओ किस पैसेंजर को इन्होंने एयरपोर्ट से पिकअप किया और कहां जाके छोड़ा। हेलो जी, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि 15 फरवरी को आपकी कार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गई थी किसी को छोड़ने के लिए? आप क्या करने गए थे? किसी को छोड़ने गए थे? मिसेज आंचल कुमार। ओके पूर्वी। ओके ओके क्या किसको छोड़ने गए थे? पीटर फ्रैंक। अच्छा ये कौन सी फ्लाइट से है? ओके मिस्टर डिसिल्वा, ओके पूर्वी, अब बचा है सिर्फ एक नंबर, ये VH543259। और सर ये नंबर किसी मिस्टर अनिल के नाम पे जो कि लोनावाला के बंगलों पे रजिस्टर्ड है सर, लेकिन ये आदमी फोन नहीं उठा रहा है सर। फोन नहीं उठा रहा है, लगता है ये अनिल ही पिकअप करने आया था ब्रेंडन को एयरपोर्ट पर। सर कहीं इस अनिल ने ही तो ब्रेंडन का खून नहीं किया? हो सकता है पूर्वी, एक बात तो पक्की है, इस अनिल का जरूर कोई ना कोई संबंध है ब्रेंडन के खून के साथ। सरकार के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अनिल जी का घर यही है। काफी पैसे वाला लगता है ये अनिल जी, इतना बड़ा बंगला वो कार, लेकिन इस अनिल जी को ब्रेंडन से क्या काम पड़ गया? सर मुझे तो लगता है कि इस ब्रेंडन को इंडिया में कोई जानता ही नहीं होगा। ब्रेंडन को इंडिया में कोई जानता नहीं था तो ये अनिल एयरपोर्ट क्यों गया था उन्हें लेने? उसके बाद ये ब्रेंडन गायब कहाँ हो गया? कोई दरवाजा खोल के नहीं रहा जी। कौन है आप लोग और क्या चाहिए? आपके मालिक अनिल जी से मिलना है, कहाँ है वो? वो नहीं है, आप क्यों पूछ रहे साहब? देखिए बेमतलब परेशान मत करिए, नहीं तो अभी पुलिस को फोन कर देंगे। हम लोग सीआईडी से। CID? अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, लगता है अनिल जी उसी तरफ है जिस तरफ ये भाग रहा है। चलो देखते हैं। अनिल जी है। अनिल जी, मालिक और नौकर एक साथ शराब पी रहे थे यहाँ पे। अनिल जी, अनिल जी, जी, हम ये जानने आए हैं कि कुछ महीने पहले आप ब्रेंडन को एयरपोर्ट से लेकर कहाँ गए थे? एयरपोर्ट? ब्रेंडन? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा यार, क्या बोल रहे हो तुम? हम ये कह रहे हैं कि ब्रेंडन को लेके आप एयरपोर्ट से आए थे और ये हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। सी अनिल जी, आपकी कार कौन सी है?
सच्चाई तो ये है कि ना तो ये बंगला आपका है और ना ही वो कार। अब सच बताओ। सर, सर मैं कुछ नहीं जानता सर। सर मैं तो एक मामूली सा वॉचमैन हूँ सर। वॉचमैन मेरा मालिक है ना मालिक, उसने अपना बंगला और कार मेरे नाम पर कर दिया सर। ये मेरा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर किसका है? सर मैं कैसे बोलूँ सर, मेरी मेरी जान चली जाएगी सर। देखो तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सिर्फ ये बताओ किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? क्या बात है, आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कुछ पता चला क्या? हाँ, एक चौंकाने वाली कहानी। ये कहानी हम आप लोगों को भी सुनाते हैं। इस कहानी को हम वहां से शुरू करते हैं जब सुमित जी को सरकार ने जमीन दान दिया था। उस जमीन में सिर्फ ये छोटा सा गार्डन नहीं था, बल्कि वो जमीन भी था जिसपे आज मॉल बना हुआ है आपके कॉलोनी के पीछे। लेकिन इस बात का पता हमें क्यों नहीं चला? क्योंकि आप लोगों से पहले कुछ और लोगों को पता चल गया। उन्हें ये भी पता चल गया कि सुमित जी अपनी पूरी जमीन को बच्चों के पार्क के लिए दान करना चाहते हैं, पर ये बात उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुमित जी को रोकना चाहा। जब सुमित जी नहीं माने तो उनका खून कर दिया। क्या? जी हाँ, सुमित जी का एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसकी प्लानिंग की थी उन लोगों ने। और उन लोगों ने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा आपके कॉलोनी को दिया और बाकी बिल्डर्स को बेच दिए। वो मॉल जहाँ पे खड़ा है वो जमीन। बिल्डर से मिले पैसे से ऐश कर रहे हैं वो लोग। उनके पास देश विदेश में बहुत सारे घर हैं, बंगलों हैं, ढेर सारी गाड़ियां हैं, और ये बात किसी को नहीं पता, उनके दोस्तों और परिवार वालों को भी नहीं। और सुमित जी का बेटा ब्रेंडन जब अपने परिवार वालों से मिलने इंडिया आया तो उसे भी मार दिया गया। क्यों ये हमें मालूम नहीं। और फिर बेटे की लाश को पिता के मूर्ति में छुपा दिया। अब ये कैसे किया है ये हम जानना चाहते हैं। लेकिन वो कौन लोग है? यही है वो लोग। सच तो ये है इसी कॉलोनी में रह रहे हैं, धोखे और खून से कमाए हुए पैसों पर ऐश कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें जानते हैं। आनंद संभालना यार। अरे अरे क्या हो रहा है ये? कहाँ भाग रहे हो? अरे सर उतारिए हम लोगों को। सर मर जाएंगे हम। सर नीचे उतारिए सर। हमने तो तुम दोनों का नाम भी नहीं लिया था। हाँ मगर तुम लोगों के लोनावले वाले बंगले पे गए थे हम लोग। नीचे उतारिए ना। अरे तुम लोग तो वैसे ही गिरे हुए आदमी हो। सुमित जी और ब्रेंडन का खून किया तुम लोगों ने? नहीं नहीं सर। वैसे हमें पता चल गया, तुम लोगों को मालूम पड़ गया था कि तुम्हारे करतूत के बारे हमें पता चल गया। सर नीचे उतारिए प्लीज। इसलिए कॉलोनी वालों की जान को नुकसान पहुंचा है और अब उसका भगदड़ का सहारा लेके भाग रहे तुम लोग। सर उतारिए हमें। सर नीचे उतारिए प्लीज। नीचे उतारिए ना। सर मर जाएंगे सर। सर नीचे उतारिए ना। लेकिन वो तो आपके दोस्त थे, फिर आपने उनको क्यों मार दिया? क्योंकि इनके लिए पैसा दोस्ती से ज्यादा मायने रखता है। लेकिन ब्रेंडन को क्यों मारा? सर एक्चुअली हम उसे मारना नहीं चाहते थे। हम उसे एयरपोर्ट से सीधा हमारे खाली पड़े हुए फ्लैट पे लेके गए। हमने सोचा था
हम उसके बाप के मरने की झूठी कहानियां सुनाकर उसको यूके वापस भेज देंगे। और उसने हमारी वो बातें सुन ली थी जिसमें हमने सुमित को मारने का जिक्र किया था, इसके लिए उसको मारा सर। लेकिन उसकी लाश मूर्ति में क्यों छुपाई? हम नहीं चाहते थे कि उसकी लाश किसी भी हालत पे सीआईडी को मिले। अगर हम उसे जलाते, दफनाते या किसी तालाब झील में उसकी लाश छोड़ देते तो एक ना एक दिन तो लाश मिल ही जाती ना, फिर तो हम पकड़े जाते। इसलिए हमने उसकी लाश सुमित की मूर्ति के अंदर डाल दी थी ताकि कोई ढूंढ ना सके। इसीलिए तुम लोगों ने निशित को मार दिया, उसके गोडाउन से सुमित जी के पुतले का ढांचा को चुरा लिया और नई मूर्ति बनाई। हा? लेकिन तुम लोगों ने मूर्ति जब बदली तो कॉलोनी वालों को कैसे नहीं पता चला? वो सर, हमने एक दिन पूरे कॉलोनी वालों को रात के खाने की दावत दी थी और हमने उनके खाने में नींद की गोलियां डाल दी थी। अच्छा, जब सारी कॉलोनी सो गई तो पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति रख दी। अगर उन्हीं अपने कार से उस मूर्ति को ठोकर नहीं मारती तो इनके काले कारनामों से पर्दा नहीं हटता। लेकिन सच्चाई में एक ताकत होती है जो कभी छुपती नहीं, और जुर्म में भी वही कमजोरी होती है, वो भी कभी छुपती नहीं। इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, इन्हें सजा हम देंगे। हाँ सर, इन्होंने हमें धोखा दिया है, ये हमारे गुनहगार है। सर, हमें अरेस्ट कर दो, ये लोग मार डालेंगे। हमें अरेस्ट कर लीजिए सर। तुम्हें सजा देने का हक अगर हमारे हाथ में होता तो हम तुम्हें इनके हवाले कर देते। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना निकल। पंकज ले जाओ इन्हें। बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये गुत्थी सुलझाई और छिपे हुए गुनहगारों को पकड़ लिया। ये तो हमारा फर्ज था, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि मॉल की जमीन भी कॉलोनी को वापस मिल जाए। आपके पति का जो सपना था वो पूरा होके ही रहेगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।